पैगामे फरीद से ये नसीहत मिलती है कि हम अपनी जिंदगियों को इश्के फरीद में जिस तरह गुजारना चाहते हैं तो वो पहली सीढ़ी है कि बाबा साहब फरमाते हैं वो खुद को फरीदुद्दीन का मुरीद ना समझे जिसने एक वक्त की नमाज कजा की। यानी हजूर गंजे शकर की मोहब्बत में अगर जिंदगी गुजर रही है तो फिर नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, नमाज पांच वक्त अदा करनी पड़ेगी। और जिस तरह आपने अपनी अम्मा जी की खिदमत की और खिदमत करते हुए अर्ज की अम्मा जी हजूर अल्लाह ने मेरे पे ये करम कर दिया है कि मेरी इतनी उम्र गुजर गई, आज तक तहज्जुद भी कजा दी है, तो फरमाया फरीद मसूद ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरे उस दूध का कमाल है जब मैं तुझे पिलाती थी और बावजू होती थी। तो ये अल्लाह की वलिया जो होती हैं, माएं जो अल्लाह की वलिया हो जाती हैं, उनकी कोकों से फरीदुद्दीन ही पैदा होते हैं।